सीएम बनने के बाद से मंदिरों के चक्कर क्यों काट रहे हैं कुमारस्वामी? भगवान के प्रति कुमारस्वामी की इस अटूट आस्था का राज क्या है? जेडीएस प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी ने बतौर कर्नाटक के सीएम 100 दिन पूरे कर लिए। वैसे तो उनका अब तक का कार्यकाल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। कई मौकों पर जेडीएस और कांग्रेस के बीच खुलकर तनातनी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान उनकी भगवान में जबरदस्त आस्था देखने को भी मिली। शायद यही वजह है कि अपने 100 दिन के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 50 मंदिरों के दर्शन कर लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने अपने शपथ ग्रहण से लेकर अब तक करीब 50 से ज्यादा बार मंदिरों के दर्शन कर लिए। दरअसल भगवान के प्रति बढ़ती उनकी आस्था के पीछे एक बड़ा राज है, जिसे शायद ही आप जानते होंगे। उनके जीवन में 15 मई 2018 के बाद ऐसा बदलाव हुआ जिसके बाद ईश्वर के प्रति उनकी आस्था और बढ़ गई। यही वजह है कि उन्होंने कहा कि सरकारी काम भगवान का काम होता है। बताया जाता है कि भगवान में कुमारस्वामी का भरोसा और आस्था उस वक्त बढ़ी जब 15 मई की सुबह कर्नाटक विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हुई। उस दिन वे अदि चंचनगिरी मठ में अमावस्या की चंद्रमा पूजा करने पहुँचे थे। दिन चढ़ने के साथ ही कुमारस्वामी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें 12 साल बाद सत्ता में वापसी का इंतजार था, लेकिन काउंटिंग के शुरुआती रुझानों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीजेपी 118 सीटों से आगे चल रही थी। बताया जाता है कि चुनाव के रुझानों को जानकर कुमारस्वामी इतने परेशान हुए कि उन्होंने अपने एक मित्र से राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कह डाली। लेकिन लगता है कि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। करीब 2:30 बजे तक उलटफेर हुआ और बीजेपी की गाड़ी 104 सीटों पर थमते ही पूरे गेम में उनकी वापसी हो गई। कहा जाता है कि इसी दिन से उनकी भगवान में आस्था काफी बढ़ गई। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।